में 3 महिलाओं के साथ हैवानियत हुई है। डायन होने के शक में स्थानीय लोगों ने 3 महिलाओं के सिर मुंडवा दिए। ये वीडियो वायरल हुआ तो जिला प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। तुरंत कार्रवाई की गई और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उधर इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। सरकार के मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं विपक्ष का मानना है कि सामाजिक कुरीतियों की वजह से महिलाओं के साथ आज भी इस तरह की हैवानियत होती है। मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत, डायन बताकर 3 महिलाओं के काटे बाल। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव। भारत में सूरज चांद पर स्पेस शटल भेजने की बात हो रही है और जमीन पर अंधविश्वास की छूटने का नाम नहीं है। मुजफ्फरपुर में इसी अंधविश्वास का कहर आधी आबादी पर टूटा। जी हां, 3 महिलाओं को डायन होने के शक में बाल काट दिए। मामला हथौड़ी इलाके के डकरामा गांव का है। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और 15 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद कांड दर्ज करके 9 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से वे हैं जो इस कांड को करने में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। आरोप तो ये भी है कि स्थानीय लोगों ने महिलाओं के कपड़े फाड़कर गांव में घुमाया और जबरन मल भी पिलवाया गया। हालांकि इस घटना की खबर राज्य सरकार के मंत्रियों को नहीं है। वहीं विपक्ष ने इस घटना की निंदा की है। इसके बारे में अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना प्रतिवेदित हुई है तो जो सक्षम कानून है उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की दिशा में सरकार अग्रसर हुई होगी। सरकार का काम है कि इस मामले में जागरूकता फैलाना और जहां इस तरह की घटना होती है वहां मजबूती के साथ कार्रवाई करना, ये सरकार की जवाबदेही है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो आपको इसको रोकना बड़ा कठिन है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही दूसरे लोगों की भी पहचान निकालने की कोशिशें जारी है। मुजफ्फरपुर से अरुण श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया।